अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अब्दुस्सुबान खान और आप देख रहे हैं अब्दुस्सुबान यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वेलकम करता हूं आज की इस न्यू और इंटरेस्टिंग वीडियो में। दोस्तों, मैं यहां पर आज की इस वीडियो में आप लोगों को पाकिस्तान एजुकेशन सर्विसेज की तरफ से 5 साल वायदे के तहत असामियों के बारे में बताऊँगा। दोस्तों, अगर आप भी 5 साल वायदे के तहत नौकरी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने मेरी वीडियो को एंड तक देखना है और आपने मेरी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है ताकि वो भी मेरी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे इस घंटे के निशान को लाजमी दबा दें ताकि मैं इस तरह की जॉब्स के बारे में कोई भी नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख सकें और आप मेरी वीडियो से सबसे पहले फ़ायदा उठा सकें। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास एक फॉर्म है, मैं यहाँ पर आपको इसकी कोई डिटेल बता देता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मेरे पास पहले नंबर पर एक ये जो असामी ये डायरेक्टर स्पेशल प्रोजेक्ट है, इसमें मेल और फीमेल दोनों हजरत अप्लाई कर सकते हैं। ये 70,000 रुपये है और इसके अलावा यहाँ पर इसमें तलीम की हद MSc है और इसमें कुल असामियों की तादाद 10 है। और इसके अलावा दूसरे नंबर पर डायरेक्टर स्टूडेंट्स हेल्थ कार्ड मेल और फीमेल दोनों के लिए ये अप्लाई हैं और इसमें कुल असामियों की तादाद 1 है और इसमें MBBS वाले हजरत अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर तीसरे नंबर पर डायरेक्टर नेशनल एंड इंटरनेशनल टूरिज्म, इसके लिए सिर्फ मेल ही अप्लाई कर सकते हैं और इसकी तनख्वाह 70,000 रुपये है। इसके लिए कुल असामी 1 है और इसमें MSc वाले हजरत अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए मैं यहाँ पर आपको बताता चलूँ, चौथे नंबर पर है ट्रेंस टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम, इसके लिए सिर्फ मेल ही अप्लाई कर सकते हैं, इसकी तनख्वाह 60,000 रुपये महाना है और इसमें MPhil एजुकेशन MSc वाले हजरात अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा पाँचवें नंबर पर है साइकोलॉजी, इसमें टोटल असामियाँ 1 हैं और इसमें तनख्वाह 60,000 रुपये है और इसके अलावा MSc साइकोलॉजी है। और इसके अलावा यहाँ पर छठे नंबर पर डायरेक्टर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इसके लिए मेल और फीमेल दोनों हजरात अप्लाई कर सकते हैं, इसकी टोटल तनख्वाह 70,000 रुपये महाना है। और इसके लिए यहाँ पर सातवें नंबर पर फाइनेंस मैनेजर मेल और फीमेल, इसके लिए दोनों हजरत अप्लाई कर सकते हैं, इसकी तनख्वाह 50,000 रुपये है। और इसके अलावा यहाँ पर MBA और MCOM या इसके मसावी फाइनेंस में कम अज़ कम 5 साल का तजर्बा होना लाजमी है। और इसके अलावा यहाँ पर आठवें नंबर पर डायरेक्टर EDS डेवलपमेंट, इसके लिए 60,000 रुपये महाना तनख्वाह है और इसके अलावा यहाँ पर खाना रिहाइश और दीगर मरात भी हैं, उसके लिए कुल असामी 1 है, इसके लिए MSc वाले हजरात अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर डिप्टी डायरेक्टर स्पेशल प्रोजेक्ट मार्केटिंग, इसके लिए मेल और फीमेल दोनों हजरात अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कुल असामियाँ 10 असामी हैं और इसके लिए यहाँ पर इसमें MSc वाले BA BSc वाले हजरात अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए यहाँ पर दसवें नंबर पर एडमिन ऑफिसर, इसके लिए सिर्फ मेल ही अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए तनख्वाह 30,000 रुपये है। उसके अलावा यहाँ पर कम अज़ कम ग्रेजुएशन एडमिनिस्ट्रेशन में कम अज़ कम 3 साल तजुर्बा लाजमी होना है और इसके अलावा इसमें उम्र के 32 से 50 साल तक होनी चाहिए। और इसके लिए यहाँ पर मैं आपको बता चलूँ, 11वें नंबर पर असिस्टेंट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर, इसके लिए सिर्फ फीमेल ही अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कुल तनख्वाह 30,000 रुपये है, इसमें तलीम के हद MBA है। और इसके लिए यहाँ पर 12वें नंबर पर डाटा एंट्री ऑपरेटर, इसके लिए 16,000 रुपये महाना तनख्वाह है, उसमें कम अज़ कम मैट्रिक बामा कंप्यूटर में डिप्लोमा होना चाहिए। और इसके लिए यहाँ पर मैं आपको बता चलूँ, दोस्तों अगर आप भी इन जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर आपको इस फॉर्म की लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा, आप वहाँ से जाकर इस फॉर्म को ईजिली रीड कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं यहाँ पर आपको पता चलूँ, इस फॉर्म में आपको इसकी तमाम मालूम मिल जाएंगी और इसके लिए यहाँ पर नीचे आपको इसका अप्लाई करने का तरीका तमाम सब कुछ मिल जाएगा। फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आएगी, मेरी वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा ताकि आपको इस तरह की जॉब्स के बारे में न्यूज़ मिलती रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।